इंदौर शहर में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मरीजों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की रोकथाम और गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नगर निगम की टीम मैदान में उतर आई है। निगम अधिकारियों ने पलहर नगर चौराहे पर रोको टोको अभियान चलाया, जहां मास्क नहीं लगाने वाले को 200 रुपए का स्पॉट फाइन लगाकर मास्क लगाने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में करीब 206 दिन के बाद एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, जिसके चलते लंबे अंतराल के बाद 110 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं नगर निगम की टीम ने एक बार फिर मास्क को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दी है, जिसकी एक तस्वीर पलहर नगर चौराहे पर देखने को मिली, जहां मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया है। हालांकि राहगीरों में निगम कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि वो शासन के आदेशानुसार कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कटिबद्ध है। अभी नगर निगम ने चौराहे पे कार्रवाई की मास्क को लेकर, बड़ी संख्या में लोगों को रोका, कार में बैठे हुए एक शख्स को भी रोका जो कार में अकेला था, दूसरे पे चालान की कार्रवाई की गई। इस दौरान आप भी मास्क बांट रहे हैं, कार्रवाई से पहले जो कार्रवाई कर रही थी ना, इस कार्रवाई को आप कितना सही मानते हैं, क्योंकि लगातार विरोध भी देखने को। देखिए भाई साहब, नगर निगम जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं एक जनता के हित के लिए ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई करना ही उद्देश्य नहीं होते सोते। आज यदि जनता को हम समझाइश दें कि जिस तरीके से आज नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से आज मास्क लगाने के लिए कई जगहों पर आग्रह किया जा रहा है, तो ये नगर निगम के कार्रवाई का विद्रोह नहीं है। विद्रोह सिर्फ उस चीज़ का आएगा कि जो कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से कर रही है वो तरीका गलत है। आप इसकी जगहों पर एक या दो दिन या तीन दिन का आप ऐसा एक वो बनाए कि लोगों को समझाइश देंगे और उस बीच में नगर निगम और हम जनता से लोगों से अपील करेंगे कि भैया ये मास्क लगा के, और जो लोग यदि मास्क लगाते हुए नहीं दिखते तो उनको यदि नगर निगम अपने पास से मास्क दे, या हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से यदि लोगों को मास्क वितरित करवाएं कि भैया ये तीन दिन तक आपको समझाई दी जाती है और तीन दिन के बाद में यदि आपको बिगैर मास्क के कोई पाया जाता है और फिर चार दिन हम कंटिन्यू कार्रवाई करेंगे, तो बनी बात है कि लोगों ने इस चीज़ को समझेंगे, ना कि सिर्फ चालानी कार्रवाई का भय दिखाकर लोगों के बीच में जो ये महामारी है उसको एक बड़ा रूप देना है। तो सिर्फ हमने सिर्फ इसी चीज़ का विरोध कराएगा कि आप जिस तरीके से चालानी कार्रवाई कर रहे हैं वो चालानी कार्रवाई के साथ साथ आप लोगों को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कीजिए, लोगों को कहीं ना कहीं ये संदेश दीजिए कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो आपके हित के लिए हो रही है, तो लोगों के बीच में इस चीज़ का द्वेष भी नहीं जाएगा और इस चीज़ का गलत मैसेज भी नहीं जाएगा। बात कीजिए आम आदमी की, तो आम आदमी के पास अभी इतना है नहीं कि 200 रुपये का चालान भरे। यदि हम बात करें आम आदमी की, अभी जिस तरह रोका गया कुछ लोगों को, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास शायद 200 रुपये भी उस वक्त ना हो, तो ऐसे में इस तरह की जो कार्रवाई होती है उनके कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से भी तो कमज़ोर करता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि अभी की स्थिति जो है कि वो एक संपन्न व्यक्ति भी के लिए भी यदि 200 रुपये का उसको चालान बनाया जाए तो उसके ऊपर भारी हैगा। इसी चीज़ को देखते हुए बस मेरा एक ही आग्रह है नगर निगम और जितने भी शासकीय विभाग हैं उनसे कि आप चालानी कार्रवाई को इतना बड़ा रूप ना दें, बजाय लोगों को समझाइश देने के। सिर्फ ये आज जो मैंने यहाँ पे अभियान मेरे मित्रों द्वारा पूरे सम्राट अशोक मंडल के सभी लोगों द्वारा हमने सिर्फ एक ही उद्देश्य से यहाँ पे ये कार्रवाई का सिर्फ एक विद्रोह स्वरूप, हमने कुछ भी नहीं करा, ना उनसे बहस करी ना कुछ चीज़ करी, हमने सिर्फ उन लोगों की कार्रवाई के आगे की साइड जाके हमने लोगों को, जो लोग नहीं आ रहे उन लोगों को मास्क लगाएं कि भैया आगे चालानी कार्रवाई चल रही है, आप मास्क लगाओ, आप भी सुरक्षित रहो, दूसरों को भी सुरक्षा में रखो, बस ये हमने करा भाई। कहीं ना कहीं आपने लोगों के 200 रुपये भी बचा लिए और एक तरह से आपने जागरूकता का संदेश भी दे दिया। भैया भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता हो कहीं ना कहीं जनहितैषी हैगा, सिर्फ हमारी मानसिकता वही थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। गगन यादव, मैं इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 सम्राट अशोक मंडल अध्यक्ष पद पर काबिज हूं। हेलो हेलो सर, अभी यहाँ पर पलानगर पर आप आए थे आपकी गाड़ी से और आपको रुका, बल्कि आप कार के अंदर थे और पूरी कार में सिर्फ अकेले आप थे और आपने मास्क नहीं पहना था, लेकिन आपको जबरदस्ती रुका गया और मास्क के लिए फाइन दिया, अभी आपका क्या कहना है इसको लेकर? सर मैं तो कार में अकेला बैठा हुआ था और मेरे सारों कांच बंद भी थे, ऊपर से मेरी कार पूरी वैक्सीनेटेड, मैं हूँ सेकेंड डोज वैक्सीनेटेड हूँ, दूसरी चीज़ पूरी कार सैनिटाइज है। मैंने कार के अंदर मास्क नहीं पहना था क्योंकि मैं अकेला था, मैं जैसे ही बाहर निकलने का बोला मैंने पहले मास्क पहना, उसके बाद मैं कार के बाहर निकला, लेकिन फिर भी आप लोगों का बोला गया कि हम लोगों को प्रेस वाले दिख रहे हैं, प्रेस वाले हमारे माथे आएंगे, आप तो चालान बनवाओ चालान बनवाओ, तो मैंने ठीक है आप ऑनलाइन पेमेंट ले लो, मैं चालान बनवा लेता हूँ, अगर मेरी गलती हुई है तो पहली बात तो मेरी गलती है नहीं, फिर भी मुझे डायर धमका के बोले चालान बनाओ, चाय की टपरी है वहाँ पे बोलते कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो हम उससे कैश ले लेंगे। अच्छा। तो ये जब डिजिटलाइजेशन चालू किया हमारे मोदी जी ने कि आप डिजिटल ही यूज़ करिए, और कोविड है यहाँ कैश चलाने से अच्छा अगर अपन डिजिटल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये लोग डिजिटल की जगह हम लोगों ने नकद ही चाहिए, ATM से निकाल के लाओ, पैसा वसूलना सर ये बिल्कुल सीधा सर चोरी है,
ये पैसा वसूला जा रहा है और कुछ भी नहीं करा जा रहा, और सबके नाम से धमकाया जा रहा है, पुलिस आप लोग सबके नाम से सिर्फ धमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि लोग कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, निश्चित तौर पर उसमें मास्क, सोशल डिस्टेंस सब है। और आपने पता नहीं यहाँ पे चौराहे पे कार्रवाई की, बड़ी संख्या में लोग में रोज भी है क्योंकि उन्हें रोका गया, उन्हें मास्क पहनने के लिए कहा गया। मेरा ख्याल है कि हमने प्रॉपरली वैक्सीन के लिए भी बहुत अनाउंस किया है ना, वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे थे, हमने घर जाके डोर टू डोर उनको नॉक किया है ना। इतनी अवेयरनेस तो हर आदमी में आ गई है कि उसको मास्क लगाना है, उसको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। आपने देखा होगा पिछले 4 या 5 दिन पहले CM साहब आदेश कर चुके हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनसे 200 रुपये का चालान है। यदि हमने तो और इतना भी किया है कि आदमी को एकदम पैनिक ना हो, यदि 4 आदमी गाड़ी के अंदर है तो उनसे ये बोला गया कि आपने मास्क नहीं लगाया है तो चलिए आपको याद रहे कि यार हमने कुछ गलती की है, तो हमने उनको ये सुविधा दे दी कि चलो हम आदमी के जो है वो हम 4 के बजाय 2 आदमी का चालान बना देते हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, आपको याद तो आपको ही रखना पड़ेगा। हम हर आदमी को, यदि कोई आदमी जिसने पैसे ना दिए हों है ना, जो गाड़ी में अकेला बैठा हो, वो आदमी भी यदि जो है वो मैं इनको बुला लूँ, आप इनसे, हम बात करने के लिए नहीं खड़े, हम शासन का काम छोड़ के यहाँ पे यदि हम खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि आप में अवेयरनेस आए। आपके जितना पैसा आप हमें देंगे उससे ज़्यादा का तो नगर निगम राशन बांट देता है भाई। नगर निगम आपके पैसे से कोई धनहाल कोई संपदा नहीं आ जाएगी, ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए क्या है इसमें। यदि हाँ, उन्होंने चालान नहीं बनवाया है, मैं बाहर जैसे निकला, उन्होंने मास्क पहना लेकिन मैं अंदर था, तो मैं यदि 2 आदमी या उससे ज़्यादा आदमी हैं तो आपको मास्क कंपलसरी है ना। तो यदि कोई आदमी ना दे रहा है पैसा और बहस करता है वो है ना, तो वो तो गलत है। आपने चालान नहीं भरा है श्रीमान जी, हाँ आपने, आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं, आपने चालान नहीं कटवाया है, आपने चालान नहीं कटवाया है, आप बहस कर रहे हैं, आप शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। मैं नहीं, आप जो कानून की बात कर रहे हैं तो आप शासन का आदेश सामने लेके चलिए कि मुझे, ठीक है दोस्त, हम तो आप लोगों के लिए हैं। जितेंद्र जमींदार, कार्यपालन नियंत्री। एक तरफ जहां नगर निगम की टीम आम जनता से मास्क लगाने की अपील करती नजर आई, वहीं क्षेत्रीय भाजपा नेता ने जरूरतमंद लोगों को निशुल्क मास्क का वितरण किया ताकि संभावित तीसरी लहर और नए वेरिएंट से आम जनता अपनी सुरक्षा कर सके। इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।